मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय भाई हेमंत सोरेन जी को कि अभी आपने खुद देखा, स्वयं देखा कि किस प्रकार से समाज के उस नौजवान पीढ़ी के लिए जो बैठे हुए हमारा कल है, भविष्य है, जो इस झारखंड का निर्माण करेंगे, देश में नहीं बल्कि विश्व में अपना एक विशेष स्थान झारखंड का बनाएंगे, उनकी सिंचाई, उनकी परवरिश, उनकी सोच को किस प्रकार से मजबूती देने के लिए शिक्षा को एक अति महत्वपूर्ण विषय बनाकर राजनीति से ऊपर उठकर स्कूली शिक्षा के स्तर पर, मेट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन के स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेष शिक्षा के अवसर पर, और इन सभी शिक्षाओं के बाद विशेष शिक्षाओं के लिए अनेकानेक प्रकार से राशि के द्वारा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देकर प्रदेश का एक औद्योगिकीकरण का सपना लेकर प्रदेश को एक औद्योगिक राज्य के रूप में उभार कर, ताकि इस नई पीढ़ी को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मैं वाकई में आज का ये 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे गर्व है कि इन पिछले 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश की सोच को और अन्य राज्यों को जो कि इसके साथ ही स्थापित हुए थे उनकी प्रतियोगिता में झारखंड ने एक अपना विशेष स्थान बनाया है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मंचा सिंह प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंचा सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, आदरणीय सौभाग्यवती कल्पना सोरेन जी, हम सबके प्रेरणा स्थान एवं जिस उस महान व्यक्ति की जिनकी आज जयंती है, धरती आदा अबा भगवान बिरसा मुंडा जी की, इस भूमि पर जिन्होंने उसकी अलख को लेकर और पूरे झारखंड के अंदर में शोषित और हमारे जो पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनके लिए संघर्ष किया, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, उपस्थित आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, आदरणीय श्रीमती महुआ माझी जी, हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय सुखदेव जी, उपस्थित यहाँ पर आदरणीय संजय सेठ जी, चंद्रशेखर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी विधायकगण, आदरणीय मंत्रीगण, मेरे पत्रकार साथियों, यहाँ पर आए हुए सभी उत्साही छात्रों और भाइयों और बहनों, झारखंड स्थापना दिवस एक विशेष अवसर पर 15 नवंबर को आज हम सब पिछले 22 वर्षों से मनाते आए हैं। इन 22 वर्षों में झारखंड की स्थापना और उसके पश्चात यहाँ की उपलब्धियां, यहाँ के दैनंदिन जीवन में आया हुआ बदलाव और इन सब के पीछे एक संघर्ष, जिस महानुभव जिनके स्मरण में आज का ये 15 नवंबर का दिवस विशेष स्मृति में मनाया जा रहा है,
उनके आदर्शों को लेकर, उनके संघर्षों को लेकर, जहां पर वंचित और शोषित वर्ग को समाज के लिए संघर्ष करते हुए अपने अल्प आयु में उन्होंने सर्वोच्च एक भगवान की दिलों में जगह बनाई, ऐसे आदरणीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, जिस झारखंड के स्थापना दिवस जो अपने आप में सौंदर्य में, संपदा में, खनिज में, यहाँ की जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, उन सभी चीजों की समृद्धता के साथ जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने खनिज संपत्ति और अपने हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर विशेष जगह बनाई। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के हर नागरिक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से, आदरणीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से आप सबको शत शत नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यूपीए गठबंधन सरकार का एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन से जो बनी, उसका आज तीसरा स्थापना दिवस है, जहां पर हम 23वें स्थापना दिवस पर पदार्पण करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी, लेकिन उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, जहां एक ओर विश्वव्यापी मानव जाति के ऊपर पड़ा हुआ सबसे बड़ा प्रहार कोरोना के रूप में, जहां पूरी दुनिया त्रस्त रही, आतंकित रही, ऐसे अवसर में प्रदेश की जनता को दिलासा देने का काम, प्रदेश की जनता के दुख दर्द में बराबरी से खड़े रहने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने सफलतापूर्वक किया। मैं बधाई देना चाहूंगा हेमंत सोरेन जी को और हमारे पूरे मंत्रिमंडल और हमारे यूपी के हर एक सदस्य को कि इन 3 वर्षों में प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की जा रही थीं, एक चुन कर आई हुई सरकार के विरोध में, जिसे प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सेवा करने का अवसर दिया, हर रोज उसके सामने कुछ न कुछ मुसीबतें और एक चुन कर आई हुई चुनाव प्रणाली को चुनौती देते हुए हमारे लोकतंत्र की जो का विश्वास, जो आस्था हमारी जनता में है, देश के हर व्यक्ति के मन में है, उसके विपरीत जाते हुए लोक कल्याण की योजनाओं से लोगों को वंचित कराने के उद्देश्य से, और किसी प्रकार एक युवा नेतृत्व जो कि झारखंड के इस जवान 22 वर्ष का जो राज्य है, उसके लिए जिसकी कल्पनाएं हैं, एक सोच है कि जहां पर एक पढ़ा लिखा झारखंड पैदा हो, एक मजबूत समाज हो, जहां का हर बच्चा, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, अपनी सोच से उसे मजबूती देने का एक संकल्प लेकर आगे आया है। जो वादा यूपीए सरकार ने जनता के सामने किया था, उसे पूरा करने का संकल्प लेकर आया है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय भाई हेमंत सोरेन जी को कि अभी आपने खुद देखा, स्वयं देखा कि किस प्रकार से समाज के उस नौजवान पीढ़ी के लिए
जो बैठे हुए हमारा कल है, भविष्य है, जो इस झारखंड का निर्माण करेंगे, देश में नहीं बल्कि विश्व में अपना एक विशेष स्थान झारखंड का बनाएंगे, उनकी सिंचाई, उनकी परवरिश, उनकी सोच को किस प्रकार से मजबूती देने के लिए शिक्षा को एक अति महत्वपूर्ण विषय बनाकर राजनीति से ऊपर उठकर स्कूली शिक्षा के स्तर पर, मैट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन के स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेष शिक्षा के अवसर पर, और इन सभी शिक्षाओं के बाद विशेष शिक्षाओं के लिए अनेकानेक प्रकार से राशि के द्वारा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देकर, प्रदेश का एक औद्योगिकीकरण का सपना लेकर, प्रदेश को एक औद्योगिक राज्य के रूप में उभार कर, ताकि इस नई पीढ़ी को उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मैं वाकई में आज का यह 22वां स्थापना दिवस है, लेकिन मुझे गर्व है कि इन पिछले 3 साल के कार्यकाल में प्रदेश की सोच को और अन्य राज्यों को जो कि इसके साथ ही स्थापित हुए थे, उनकी प्रतियोगिता में झारखंड ने एक अपना विशेष स्थान बनाया है। यहां के जनजाति का झारखंड, जिसके लिए आदरणीय बिरसा मुंडा जी से लेकर मंच पर आसीन आदरणीय गुरुजी, जिनका संघर्ष झारखंड की जमीन, जल, जंगल, जमीन का संघर्ष लेकर एक अस्मिता का एक प्रश्न सैकड़ों सदियों से जो चला आ रहा है, उसके ऊपर में साहसिक रूप से, मैं कहूंगा कि साहसिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी अड़चने लाने के बावजूद भी आज की इस वर्तमान सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी के विरोध में, यूपी की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खतियान का की पहचान को ना ही सिर्फ प्रस्ताव पास कराया, लेकिन समाज के हर वर्गों को जोड़ते हुए, उसमें जोड़ते हुए, किसी का नुकसान किए हुए बिना विधानसभा में उसे पारित करवाया। मैं बधाई देता हूं ओबीसी के उस 27% रिजर्वेशन के लिए जो कि हाल ही में विधानसभा के हर उन सदस्यों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हमारे ओबीसी समाज से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं, जो वर्ग हैं, उनको विशेष प्राधान्यता देते हुए रिजर्वेशन में 27% की स्वीकृति विधानसभा ने दी। एक नया अध्याय, एक नए इतिहास का नया चैप्टर यहां से शुरू होने जा रहा है, और निश्चित रूप से पिछले दिनों आप सबने देखा कि यहां के बहुत ही भावनात्मक प्रश्न था, भावनात्मक रूप से हम सब उसका सम्मान करते हैं, और जो हमारा प्रस्ताव यहां पिछले दिनों सरना कोर्ट का प्रस्ताव विशेष रूप से विधानसभा ने जो पारित किया, इन सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया, और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान करते हुए सम्माननीय केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्वीकृति देकर जिन आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड के विकास और मजबूती के लिए, यहां के समाज के हर वर्ग के मजबूती के लिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं, उन्हें वो अन्य रूप से जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, कम से कम समाज के इन वर्गों की भलाई के लिए इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द पारित कर और उसे अमल कराने में हमारी मदद करें। मैं उन सभी योजनाओं का जिनका जिक्र विशेष रूप से अभी करा गया, उसके लिए उसको फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर में एक भारी सूखा की स्थिति है, और ऐसे समय में
जो भी सरकार होती है, जो भी हमारा पालक या मुख्यमंत्री जो हमारे सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जनता के नुमाइंदे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो इस सूखा से पीड़ित हमारे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की पीड़ा को समझते हुए, किसान और किसान मजदूरों के परिवार को मद्देनजर रखते हुए कुछ विशेष योजनाएं लाएं। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी का कि प्रदेश के अंदर में ऐसे आपात की स्थिति में 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब का प्रस्ताव, और जहां पर हर गांव के अंदर कम से कम 5 योजनाएं अमल की जाएं, यह प्रस्ताव इस सरकार ने पास किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को राहत मिलेगी। मैं बधाई देना चाहूंगा, ये प्रदेश, ये ऐसा प्रदेश है जिसने मनरेगा के अंतर्गत 99.9% लोगों को मिलने वाली सुविधाएं डिसबर्स कराई, उसे दिया, और साथ ही साथ सरकार की ओर से 27 रुपए अतिरिक्त दे दिया गया है। मैं इन कुछ बिंदुओं पे विशेष रूप से इसलिए बधाई देना चाहूंगा साथियों कि मनरेगा वो योजना है जिसने पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भी अगर भारत में, हिंदुस्तान में अगर किसी प्रकार से भुखमरी या लोगों के बीच में, समाज के अंदर में अगर एनआरकी नहीं हुई, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास में आधार था मनरेगा का, जिसका कि आज की वर्तमान केंद्र सरकार और आदरणीय उनके नेता जिसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन झारखंड ने अति गंभीरता के साथ 27 रुपए अतिरिक्त दे देकर और 99.9 हमारे मनरेगा में उपस्थित मजदूरों को दे देकर एक बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ी दूरदर्शिता का एक उदाहरण दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। अनेक ऐसे प्रस्ताव जो पिछले दिनों आप लोग ने पास किए, जिसका उल्लेख हमारी आदरणीय बहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यहां पर प्रेषित किया, मैं उन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूं, और उससे लाभान्वित हमारे जो लोग हैं उन्हें बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जिन बहनों को ट्रैक्टर दिया गया, जिन्हें गाड़ियां दी गई, जिन्हें पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए विशेष राशियां प्रावधान दी गई, उसका लाभ उठाते हुए जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर झारखंड के इस स्थापना दिवस में एक आगे आने वाले मजबूत पढ़ा लिखा युवा और आर्थिक रूप से मजबूत ऐसे झारखंड की परियोजना का जो सफर शुरू हुआ है, इस सफर में निश्चित रूप से एक और नई गति मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और आज के इस अवसर पर जहां पर माननीय गुरुजी का आशीर्वाद है और आदरणीय हमारे बिरसा मुंडा जी का जो विशेष स्मरण कर हम आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी सपनाओं को, उनके आशीर्वाद को हम सही रूप में फलित करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। पुनः एक बार उपस्थित सभी सम्माननीय माननीय लोगों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी सम्माननीय हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और उपस्थित सम्माननीय नेताओं का तहे दिल से यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जोहार।